नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज के सरायमीरा स्थित नवीन मंडी समिति में 10 मार्च को मतगणना को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के साथ निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 10 मार्च को नवीन मंडी समिति में मतगणना होगी। मतगणना वाले दिन मतगणना कर्मी, राजनीतिक पार्टियों के एजेंट और प्रत्याशियों के आने व मीडिया सेंटर आदि की व्यवस्था कराने को लेकर उन्होंने मंडी समिति का निरीक्षण कर जायजा लिया, ताकि मतगणना वाले दिन किसी भी तरह की मौजूद लोगों को असुविधा न उठानी पड़े और मतगणना आसानी के साथ संपन्न हो सके। सीबू सैनी की रिपोर्ट। देखिए, 10 तारीख को यहाँ मतगणना होनी है, उसकी तैयारियों का देखने के लिए हम और कप्तान साहब पूरी टीम के साथ यहाँ निरीक्षण किए। इसमें क्योंकि काफ़ी लोग हैं, हमारे कर्मचारी भी आएंगे, पार्टी के एजेंट्स भी आएंगे, कैंडिडेट्स भी आएंगे, तो सबको कहाँ से अंदर आना है, कहाँ बैठना है, कहाँ हमारे आरओ बैठेंगे, कहाँ हमारा जो है टेबलेशन का वर्क होगा, कहाँ हमारे काउंटिंग के बाद मशीनें सील की जाएंगी, ये सारी चीज़ों की तैयारियाँ, फिर मीडिया का सेंटर कहाँ होगा, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, ये प्रॉपर तैयारियां हो जाएं, इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और सबको बताया गया कि कौन चीज़ें कहाँ की जानी है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और समय से सब चीज़ें चलती रहें। इसके अलावा बाहर के क्षेत्र में भीड़ कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जितना दूर हम लोग अपना पब्लिक एड्रेस सिस्टम को रखेंगे, जिससे जनता को, लोगों को जानकारी मिलती रहेगी, तो उतना भीड़ का नियंत्रण हमारे सेंटर पर कम मतलब अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जिससे मतगणना में कोई समस्या नहीं आए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।